दिल्ली के मंडावली इलाके में 3 बच्चियों की भूख से मौत हो गई। दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट अमिता सक्सेना का साफ कहना है कि बच्चियों की मौत भूख की वजह से हुई है। अमिता सक्सेना के मुताबिक बच्चियां देखने में भी काफी कुपोषित लग रही थी और भूख से उनके चेहरे भी काफी बिगड़ गए थे। जब पोस्टमार्टम करा तो कंफर्म हो गया कि ये लड़कियों ने शायद 8 दिन से या कुछ खाना ही नहीं खाया था। यही वर्जन मदर ने भी, क्योंकि मदर ज़्यादा जवाब दे नहीं पा रही थी। मैम एग्जैक्ट क्या है पोस्टमार्टम में, यहाँ पर हुआ? यहाँ पे तो क्लियर कट केस ऑफ स्टार्वेशन डेथ। इस समय हम मंडावली के साकेत ब्लॉक के उसी गली में पहुंच चुके हैं, गली नंबर 14 में, जहां एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चे की भूख से जो है मौत हो गई थी। आप देख सकते हैं काफी सकड़ी गली है और यही परिवार जो है रहा करता था, और शनिवार को किराया ना देने के चलते यहां से मकान मालिक ने घर को खाली करा दिया गया था, जिसके बाद परिवार जो है बगल के ही घर पर अपने दोस्त के पास चला गया था और वहां बच्ची को खाना नहीं मिलने के चलते भूख से जान चली गई थी। और इसी परिवार मकान में जो है परिवार जो है रहा करता था और 3 छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, इसी परिवार में रहा करते थे। काफ़ी गरीब परिवार था। जो पिता थे बच्ची के, वो रिक्शा चलाया करते थे और उससे 2 जून की रोटी जो है वो नसीब करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन कुछ दिन से हालत ऐसी हो गई थी कि 2 जून की रोटी तक जो है वो नसीब बच्चों को खास कर नहीं हो रही थी, क्योंकि इस बात को यहाँ के लोग भी पुख्ता कर रहे हैं कि बच्चियों को खाना कुछ दिन से नहीं मिल पा रहा था। यही वो गली है, यही वो मकान है, आप देख सकते हैं काफ़ी अजीबोगरीब हालत में ये मकान है। और शनिवार को मकान मालिक ने किराया ना देने के चलते जो है यहाँ से खाली करा दिया गया था और परिवार जो है वो बगल के जो दोस्त हैं उनके घर पे चला गया था और वहीं बच्ची की हालत ऐसी हुई, अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया गया जहां 3 बच्चियों ने दम तोड़ दिया। कैमरा पर्सन नवीन के साथ सुमित कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।